दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए आज भारतीय टीम चुनी जाएगी, जिसमें रोहित शर्मा को मौका मिल सकता है। आपको बता दें कि सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल का पिछली कुछ सीरीज में अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, तो वहीं रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में अंतिम एकादश में जगह नहीं बना सके थे। हनुमा विहारी और अजिंक्य रहाणे के बल्लेबाजी क्रम में पांचवा और छठा स्थान उनको मिल सकता है, तो वहीं रोहित शर्मा को बतौर ओपनर आजमाया जा सकता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज मुंबई में किया जाएगा। सेलेक्टर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती दूसरे ओपनर को चुनने को लेकर होगी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए आज भारतीय टीम का चयन हो सकता है और माना जा रहा है कि रोहित शर्मा को बतौर ओपनर टीम में जगह मिल सकती है। रोहित को वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला, तो वहीं मयंक अग्रवाल का चयन भी तय माना जा रहा है और साथ ही साथ शिखर धवन पर भी इसमें नजरें होंगी। जो कि टेस्ट सीरीज के लिए आज भारतीय टीम चुनी जाएगी। हाल ही में कैरिबियाई धरती पर वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-0 से जीतने वाली टीम में बदलाव की उम्मीद कम ही है। तो वहीं इस खबर पे हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर दिग्विजय भंडारी जुड़े हुए हैं। दिग्विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिग्विजय जी, जिस प्रकार से आज 3 टेस्ट मैचों की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में आज भारतीय टीम का चयन किया जाएगा, तो उसमें माना जा रहा है कि रोहित शर्मा वापस से टीम में शामिल हो सकते हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, 100% रोहित शर्मा को चांस मिलेगा जी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पिछले कुछ सीरीज में लोकेश राहुल अपेक्षा अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं जी, जबकि वो बहुत अच्छे और मजे हुए खिलाड़ी हैं, 5 तक जड़ चुके हैं टेस्ट में, पर रोहित शर्मा विल डेफिनेटली गेट अ चांस, क्योंकि वेस्टइंडीज सीरीज में वनडे में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था, तो रोहित शर्मा का आना तो लगभग तय है जी। दिग्विजय जी, इसके अलावा एक बात और ये भी है कि विकेट कीपर की भूमिका पर भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि बार बार रिद्धिमान साहा को इतना मौका देना कहाँ, माफ कीजिएगा, हम ऋषभ पंत को बार बार इतने मौके देना कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है सही है, जबकि उनके अलावा भी और भी विकेट कीपर्स लाइन में हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं? मैं मानता हूँ काफी विकेट कीपर्स लाइन में हैं, ऋतिमन साहा हैं काफी अच्छे कीपर, पार्थिव पटेल काफी अच्छा कर रहे हैं, और ऋषभ पंत की बैटिंग स्टाइल जो है काफी डिफरेंट है। बेसिकली ऋषभ पंत को टीम मैनेजमेंट एक मैच विनर के रूप में देखती है, सपोज कभी आपको अच्छा लंबा खेलना है, फटाफट रन किए, तो एज अ फिनिशर और एज अ बैट्समैन उनको सर्विस दी जाती है, जबकि कीपिंग में वो इतने अच्छे नहीं है, मैं मानता हूँ जी, उनके डिफेक्टिव, उनकी कुछ शॉर्टफॉल्स हैं जी। ऋषभ शाह इज अ बेटर कीपर, पार्थिव पटेल इज अ बेटर कीपर एंड बैट्समैन बोथ जी, बिल्कुल दिग्विजय जी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पार्थिव पटेल, अगर हम रेगुलर मैचों की बात नहीं करें लेकिन आईपीएल में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहता है, तो उनके नाम पर
इतने लंबे समय से उन्हें ना तो वनडे टीम में और ना ही टेस्ट टीम में ज्यादा कुछ तरजीह दी गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उनको एक मौका मिलता है, बनता है उनका एक मौका, आईपीएल में उनका प्रदर्शन निरंतर अच्छा रहा है जी, ये मतलब बहुत अच्छी ओपनर के तौर पर उन्होंने काफी अच्छी, बट आप देखें तो ओपनिंग की भूमिका में अपने अगर T20 की बात करें तो अपने पास में धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी है जी, जिसको जी। कोई भी टीम मैनेजमेंट नहीं तोड़ना चाहेगा जी। मिडिल ऑर्डर में भी अपने पास में कोहली है, इधर है तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको डिस्टर्ब किया जाए, आने हैं कोहली हैं, मयंक अग्रवाल भी आ रहे हैं अंदर, और T20 में और भी काफी श्रेयस अय्यर काफी अच्छे आ रहे हैं, ऋषभ पंत इज अ वेरी गुड बैट्समैन T20 के, तो बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं वो, तो पार्थिव पटेल जो परफॉर्म कर रहे हैं वो आईपीएल में कर रहे हैं जी। उसके लिए T20 की फॉर्मेट होता है, T20 में इंडिया के पास में बहुत ही अच्छी टीम है, उसमें चेंज होगा नहीं, केवल एक मौका रिद्धिमान साहा का इसलिए बन सकता है क्योंकि उनकी कीपिंग ऋषभ पंत से बेहतर है जी। और इंग्लैंड आप देखें, अगर इंग्लैंड में एक लास्ट सीरीज जो हुई थी जिसमें टीम इंडिया ने काफी टफ फाइट जीती, जबकि रिजल्ट 3-1 से हारे थे हम जी, बट इंडिया ऑलमोस्ट दो टेस्ट जीत से बचा था जी, उसमें ऋषभ पंत ने काफी अच्छी बैटिंग की थी, एक सेंचुरी मारी थी जी, एक ऑलमोस्ट 50 मारी थी, तो लास्ट टू टेस्ट मैच में उनको मौका मिला था, काफी अच्छी बैटिंग की थी, इसलिए टीम मैनेजमेंट थोड़ा सा उन पर विश्वास रखता है कि शायद ये बल्ला चल, आप देखेंगे कभी वीरेंद्र सहवाग की टेक्निक, मतलब ही वॉज अपने दिन के ऊपर वो किसी भी अच्छे गेंदबाज की लज्जा उड़ा देते थे जी, बिल्कुल 294 पे उन्होंने छक्का मार के 300 बनाने की सोची थी, 194 था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उन्होंने छक्का मार के सोचा कि 200 बना लूंगा, वो आउट हो गए थे जी, तो अपना नेशनल गेम खेलते थे, तो ऋषभ पंत वैसे ही क्रिकेटर है, हाँ कीपिंग में उनको थोड़ा सा बेहतर होना पड़ेगा जी। बिल्कुल दिग्विजय जी, ये तो बात हो गई बैटिंग और कीपिंग की, अगर हम बात करें बॉलिंग की तो रविचंद्रन अश्विन को कब वापस से टीम में लिया जाएगा, क्योंकि उनका भी एक दौर जरूर था, और बिल्कुल ये भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अब इतना लंबा टाइम हो गया है तो अब तो उनको टीम में ले लिया जाना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए मैं इस मामले में कुछ अगर स्पष्ट सुनना चाहेंगे आप तो मैं ये कहूंगा कि रविचंद्रन अश्विन अब वो उस स्तर के क्रिकेटर नहीं रह गए हैं जी, जिस तरह के वो पहले हुआ करते थे जी, पिछले कुछ टाइम से उनकी जो बॉलिंग एक्शन है, अब आप अगर तमिलनाडु प्रीमियर लीग देखेंगे तो उन्होंने एक बॉल ऐसी फेंकी जो आप बोल भी नहीं सकते, उनका एक्शन ऐसा था जो बहुत ट्रोल भी हुआ जी इंस्टाग्राम पे उसके बाद में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट एक जो मार्कंडे किया था आपको याद होगा, वो बाहर निकल गया था बैट्समैन, उन्होंने बॉलिंग की पहली रेल उड़ा दी जी, बिल्कुल, तो उस तब का काफी फर्क पड़ा है उनकी बॉलिंग पे, और उनकी बॉलिंग भी में भी वो पैनापन नहीं रहा है जो वो कैरम बॉल डालते थे या उनकी जो बाहर टप्पा खा के निकलती थी, वो बॉलें भी अब उनकी वैसी नहीं रही हैं, लोग मतलब काफी लोग डालने लग गए हैं वैसी बॉलें जी, बस मेरे ख्याल से उनकी एज भी 34 के आसपास हो गई है और अब नया टैलेंट आना बनता है, तो रविंद्र जडेजा इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, वो अच्छे फील्डर है, अच्छे बैट्समैन है, बैटिंग बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, उसके बाद कुलदीप बहुत अच्छा स्पिनर है, आपके पास में चाइना मैन है जो टीम की मतलब काफी जान होता है, फिर आपके पास में युजवेंद्र चहल है जो प्योर लेग स्पिनर है जी, तो ऐसा नहीं कि आप रविचंद्र अश्विन के भरोसे रह सकते हैं जी। चलिए ये तो दिग्विजय जी आपने जो भी जानकारी दी, आशा है हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी बहुत मतलब आने वाली जो टीम का चयन होगा उसके लिए बहुत ही सटीक जानकारी है, फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।